हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बनाने वाले सॉल्ट, आमला, कैरेट, पाइनएप्पल, उस सब से पिकल। तो क्या कैसे बनाने को और क्या क्या लगते हैं वो देखते पहले। तो मैंने इधर थोड़ा सा आमला लिया है और पाइनएप्पल लिया, वो भी राउंड राउंड में कट करके रखा है। सब देख सकते हो, ऐसा पूरा कट करके रखा है राउंड राउंड में। और कैरेट लिया, वो भी स्लाइसेस किया है मैंने, दो तीन कैरेट लिया है, वो भी अच्छे से स्लाइसेस किया है। और एक बाउल पूरा खड़ा मीट लिया है, नमक लिया है और मिर्ची लिया है, बहुत लिया है, थोड़ा ज्यादा ही लिया है। और वो भी बीच में से स्लाइस किया है। और ये विनीगर है, ये भी लगने वाला है अपने को पिकल बनाने के टाइम। तो अभी कैसे बनाने का वो देखते। तो हमें पहला ऐसे एक कांच का बॉटल चाहिए और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पूरा सूखा जैसा चाहिए। तो ऐसा पानी रहेगा तो क्या होगा, तो व्हाइट व्हाइट कलर आएगा फिर बाद में, वो डस्ट की तरह। तो अभी इसमें एक एक करके पाइनएप्पल डालेंगे। तो अभी ये लास्ट पीस भी डाल दिया। तो अभी एक ऐसे डाला, वैसे कैरेट भी, आमला, वो सब डालने का है। तो मैं वो दोनों एक साथ ही डालने वाला हूँ, तो वो भी देखते। तो मैंने अभी एक बड़ा सा बॉटल लिया है, बॉटल भरने क्या बोलने क्या बोल सकते हो। तो इसका भी अंदर से मैंने अच्छे से पोंछा है, इसके अंदर भी कुछ पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अभी आमला भी लेके अच्छे से पोंछ के भरने में डाल देंगे। तो पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आमला में भी मैं अच्छे से धोया है, इसका भी अच्छे से पोंछ के इसका भी पानी सब निकाल रहा हूं मैं। वो पानी डाला तो क्या होता, लास्ट को सब पिकल बनने के बाद फंगी आता बाहर ऐसा व्हाइट व्हाइट कलर में। तो अभी इससे भी अच्छे से करके ये करेंगे। तो मैं कैरेट और ये दोनों एक ही साथ डालने वाला हूं, तो एक वैरायटी टेस्ट आएगा दोनों एक साथ डाले तो। तो अभी एक एक करके सब पोंछ के भरने में डालते। तो मैंने अभी सारा आमला डाल के खत्म हुआ है। तो अभी इसके साथ थोड़ा सा मिर्ची भी डालेंगे। तो मैंने इधर थोड़ा सा मिर्ची लिया, वो भी बीच में से स्लाइस किया हुआ, तो वो भी डाल देंगे। तो अभी इसके बाद कैरेट डालेंगे। तो कैरेट भी अच्छे से सूखा है तो वो डाल देंगे इसे। तो अब इसके बाद मिर्ची डालेंगे वापस ऊपर से। तो थोड़ा सा मिर्ची साइड पे रखेंगे और पाइनएप्पल के भी चाहिए, तो गिर गया है तो वो भी डाल देंगे। तो मैंने इधर बॉयल किया हुआ वाटर लिया है, तो मीडियम गर्म है, पर अभी जब हमको इसमें डालने का है उस टाइम मीडियम गर्म चाहिए। तो अभी इसमें थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करने का है, विनेगर, नमक सब ऐड करने का है। तो मैं इधर 4 टेबलस्पून विनेगर ले रहा हूं, तो गर्म पानी में डालने का है। तो 4 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। तो 4 टेबलस्पून विनेगर डाला है, तो अभी इसमें थोड़ा ज्यादा नमक डालेंगे, आपको कितना चाहिए उतना डालना। मैं तो थोड़ा ज्यादा ही डालने के लिए बोलेगा, क्योंकि पिकल बनाने का नमक तो स्पाइसी सब ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिर्ची और ग्रीन चिली भी आपको कितना चाहिए उतना ही डालना, मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए, ज्यादा स्पाइसी अच्छा लगता इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है। आपको भी ज्यादा चाहिए तो इससे भी ज्यादा डाल सकते हो।
तो थोड़ा और नमक लेंगे हम। तो मैंने इधर खड़ा मीट यूज किया है, आपको चाहिए तो सादा पाउडर वो वाला मीट भी यूज कर सकते हो, पर खड़ा मीट से कैसा बहुत अच्छा ये टेस्ट आता। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अभी वो भरनी में डालेंगे। तो अभी लेके भरनी में डालेंगे। तो हमने डाला हुआ आमला वो सब अच्छे से डूबना चाहिए, वैसा पूरा भर के पानी डालना चाहिए। तो पाइनएप्पल का कैसे करने को देखते। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें भी नमक डालेंगे, थोड़ा से डालना क्योंकि हमने पाइनएप्पल भी थोड़ा सा लिया है ना, और इसमें विनेगर भी डालेंगे 2 स्पून, बस हो जाएगा। तो अभी इसे भी अच्छे से मिक्स करते। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद वो पाइनएप्पल पे डालेंगे। तो पाइनएप्पल के डालने के पहले थोड़ा मिर्ची भी डालेंगे। तो अभी अच्छे से मिक्स हुआ है, तो इसमें अभी पाइनएप्पल पे थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे, क्योंकि पाइनएप्पल तो मीठा रहता ना, तो थोड़ा सा ही डालेंगे 4-5। फिर इसके बाद ये पानी ऐड करेंगे। तो पाइनएप्पल भी पूरा डूबना चाहिए, ऐसा पानी ऐड करो। तो पाइनएप्पल भी अभी अच्छे से डूबा है, तो इसे थोड़ा सा ऐसा ये करने के बाद बंद करके रख दिए। तो अभी मैंने इसमें अच्छे से वो नमक का पानी वो सब डाला है, इसे बंद करके 1 वीक तक पूरा बंद करके रखेंगे। तो अभी 1 वीक तक वेट करना पड़ेगा, तो अभी 1 वीक के बाद इसका क्या होता है वो देखेंगे। 1 वीक हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो ये कैसा सब मस्त हुआ है, और खाने के लिए भी बहुत टेस्टी रहेगा ये। तो आप लोग भी एक बार घर पे ट्राई करके देखना। पिक्कल बन के तैयार हो गया है, ये बहुत टेस्टी है, पर इसका टेस्ट ओरिजिनल टेस्ट टेस्ट करने के लिए ना 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। 2-3 दिन बोल रहा, 2-3 वीक वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा अलग अलग वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।